कभी कभी जो है मरीज इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि हमारा फास्टिंग शुगर तो ज़्यादा आ रहा है और पोस्टप्रांडियल शुगर कम आ रहा है। मित्रों, ये कोई अनुचित स्थिति नहीं है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, विशेष तौर पे उन लोगों के अंदर जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं या जो लोग शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंसुलिन की मात्रा वो ले रहे हैं वो उनके शरीर के लिए आवश्यकता से थोड़ी सी ज़्यादा है। इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह करें और अपने इंसुलिन को सही तरह से नियमित करने का प्रयास करें। अगर आप इंसुलिन भी नहीं ले रहे हैं और अगर आप शुगर की दवाइयाँ भी नहीं खा रहे हैं और फिर भी आपकी पोस्टप्रांडियल शुगर यानी कि खाना खाने के बाद की शुगर फास्टिंग शुगर से कम आती है, तो ये इसलिए भी हो सकता है कि बहुत सारी लेबोरेटरीज शुगर का सैंपल लेकर के उसको रख देते हैं और रखने के दौरान वो शुगर जो है, क्योंकि ब्लड सैंपल के अंदर RBCs होती हैं और RBCs शुगर कंज्यूम करती हैं और रखे रखे वो शुगर जो है RBCs कंज्यूम कर लेती हैं और जब ब्लड शुगर टेस्ट करती है लेबोरेटरी तो उसमें कम आती है। ऐसी स्थिति में दोबारा से अपने लेबोरेटरी में जाकर के शुगर टेस्ट कराएं और इस बात का निवारण करें। धन्यवाद।